हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई टीवी सितारे हैं जो सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं, फिर चाहे उनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट हो या ना हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी चर्चाएं बनी रहती हैं। ऐसे में कई स्टार हैं जो अपनी चर्चाएं बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और कुछ ऐसे स्टार हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, लगातार उनके बारे में फैंस कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं और सोशल मीडिया में उनके लिए न्यूज़ बहुत सारी मिल जाती है, क्योंकि पता ही है कि यार आज नहीं तो कल इनकी न्यूज़ आ ही जाएगी। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपकी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस सुंबुल तौकीन खान की, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और जो हमेशा ही बिज़ी रहती हैं। फ्री रहना शायद उन्हें अच्छा लगता नहीं है। अगर जब भी उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है अच्छा, जिस पर वो कंटिन्यू काम करती हैं, तो उससे पहले वो ज़रूर वेकेशन पर जाती हैं। ये कई बार देखा जा चुका है। और अगर वो छोटे प्रोजेक्ट करी हैं जो कि मतलब हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी जिसकी शूटिंग, तो उसके लिए तो वो हमेशा ही रेडी रहती हैं। ऐसे में मैं बात कर रही हूँ काव्या शो के रिलेटिव। काव्या पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, अब आपको बाकी के एपिसोड कहाँ मिलने वाले हैं आई डोंट नो। अभी तक कोई सोशल मीडिया में ऐसी न्यूज़ नहीं आई, सिर्फ अपना अपना आइडिया दे रहे हैं। यूट्यूब पर मिल सकते हैं जो हैं सोनी के, कोई कह रहा है सोनी लाइव पे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज की TRP लगातार जो है, काव्या एक जज्बा एक जुनून, 82 TRP का जो चार्ट आता है जिसमें वो टॉप शो की लिस्ट पूरी देता है, उसमें जो कि बताता है कि नंबर 10 पे, नंबर 20 पे, नंबर 30 पे, नंबर 40 पे, या 40 से भी जो है आगे बहुत से शो देता है, उनमें सबसे नीचे काव्या एक जज्बा एक जुनून है, उससे नीचे कोई शो नहीं है। ऐसे में स्टार भारत के शो भी उससे ऊपर हैं, सोनी टीवी के भी उससे ऊपर हैं, सोनी टीवी के, फिर चाहे आपका जुबिली टर्कीज़ हो या पुकार हो या फिर, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं मैम सेम TRP है, मैंने पोजीशन की बात की, तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। और हमेशा ही नहीं कि जो है ये अभी से ही है, तो जो है कुछ हफ्तों से इस तरह का देखा गया है। अब जो TRP निकल कर आई है, इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही है कि जो है ये उम्मीद, क्योंकि क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है आपका शो टॉप 10 में तो रहा ही होगा, तो या फिर टॉप 20 में, ऐसे में वो टॉप 40 से भी बहुत नीचे हैं। तो ऐसे में जो है सुंबुल की एक्टिंग पे कोई डाउट नहीं कर सकता है, वो गांव की गवार की भी एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उनसे कोई अधिकारी की कराए तो भी वो बहुत अच्छी करती हैं। ऐसे में अगर आप नए प्रोजेक्ट पर उन्हें देखना चाहेंगे, तो क्या आप उन्हें सोनी पर ही देखना चाहेंगे या फिर अदर चैनल पर? मुझे लगता है सुंबुल इतनी समझदार है, उनके पापा भी काफ़ी समझदार हैं, एंटरटेनमेंट या इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। देखिए, हर जो स्टार होता है वो अपनी तरफ से बेस्ट देता है, डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी ही दमदार नहीं होगी तो फिर उसमें आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है काव्या एक जज्बा और जुनून की जो स्टोरी थी वो काफ़ी घुमा दी थी, जहाँ पे उन्होंने जो है बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया था, जिससे जहाँ कहानी शुरू हुई थी एक जज्बे के साथ, वो तो वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आया। तुरंत इलेक्शन, पॉलिटिक्स, न्यू एंट्री, 3 साल का लीप, ये सब हम बहुत कुछ देखा, जहाँ पे जिससे वो पहले प्यार करती थी उसकी पूरी फैमिली का ही पता ही नहीं कहाँ चली गई, रफा दफा हो गई, कुछ मतलब ही नहीं रहा, तो एक नया ही जो है पॉलिटिक्स फैमिली में शादी हो गई, बस वहीं का जो है जो रहा। तो ऐसे में जो है शो की बातें एक अलग हैं। बात आती है क्या सुंबुल की रेटिंग पर इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, तो डियर हर स्टार की रेटिंग पर फ़र्क पड़ता है, चाहे IMDb रेटिंग हो चाहे वो गूगल रेटिंग हो। जब स्टार की TRP डाउन होती है तो कहीं ना कहीं जो है उनकी सर्चिंग थोड़ी कम हो जाती है। उम्मीद है कि जल्दी ही सुंबुल किसी नए प्रोजेक्ट पर आएगी, उसकी सर्चिंग तेज़ी से, उसके पॉइंट फिर से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।